नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो कि भारत का संविधान पार्ट 5 का अध्याय 2 संसद के विषय में आज शुरू करना था। और हम लोगों ने आर्टिकल 78 तक ख़त्म कर दिया था, आज हम लोगों को आर्टिकल 79 से शुरू करना था। आज हम लोग आर्टिकल 79 से आर्टिकल 84 तक कवर करेंगे। इसमें आपको तो कई बार मैं बता चुका हूँ कि ये जो पार्ट 5 है उसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक पूरे टोटल आर्टिकल हैं, और इसमें जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, वो 5 अध्याय हैं। तो दोस्तों, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके अंदर की चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल 79 शुरू करते हैं। आर्टिकल 79 क्या कहता है? संसद का गठन कैसे होगा? संसद का गठन संघ के लिए, संसद का गठन संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। वो 2 सदन कौन से होंगे, जिनका 2 सदन कौन से होंगे, उनके नाम कौन से हैं? दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। जिनके नाम होंगे राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के आर्टिकल देखते हैं। आगे के आर्टिकल आर्टिकल 80 क्या कहता है? आर्टिकल राज्यसभा की संरचना कैसे होगी? अब देखिए, इसमें राज्यसभा की संरचना का देखिए, राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और खा देखिए राज्यों के और संघ राज क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। दूसरा देखिए, राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड का के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्यों ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। दोस्तों, चौथा देखते हैं, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सकमणीय मत द्वारा किया जाएगा। पांचवा देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा में संघ राज क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करें। 81 दोस्तों क्या है? लोकसभा की संरचना। 81 जो है, आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना दोस्तों, अनुच्छेद पहला है इसमें, अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा का देखिए दोस्तों, राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्यों और खा देखिए संघ राज क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। दूसरा देखते हैं, खंड 1 के उपखंड का के प्रयोजनों के लिए का देखते हैं, प्रत्येक राज्य के लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। और खा देखते हैं, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। परंतु इस खंड के उपखंड का के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती है। तीसरा देखिए, इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिष्ठित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं दोस्तों। परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह खंड 1 और खंड 2 हैं। खंड 1 खंड 2 के उपखंड का के उस खंड के परंतु के प्रयोजनों के लिए 1971 की गणना,
जनगणना के प्रति निर्देश हैं, और दो खंड दो के उपखंड खा के प्रयोजनों के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश हैं। तो दोस्तों आगे का आर्टिकल 82 है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, आर्टिकल 82, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा के स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसी प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता है, परंतु या और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्देश करे, और ऐसा पुनः समायोजन से प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन से पहले विद्यमान है। परंतु यह भी या और भी कि जब सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस अनुच्छेद के अधीन, पहला देखिए, राज्यों के लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आवंटन का, और दूसरा देखिए, प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं, पुनः यह समायोजन आवश्यक नहीं होगा। आर्टिकल 83 देख लेते हैं दोस्तों, संसद के सदनों की अवधि, जो संसद होंगे उनके सदनों की अवधि कितनी होगी, पहला देखिए और दूसरा दो हैं इसमें, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक तिहाई सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्ति शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। दूसरा देखिए, लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि के समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। 84 देखिए, आर्टिकल 84 जो हमारा लास्ट आर्टिकल था आज के वीडियो में, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। आर्टिकल 84 क्या कहता है, संसद के सदस्यता के लिए अर्हता, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, कोई व्यक्ति संसद की किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब का खा गा इसमें 3 हैं, का देखिए वह भारत का नागरिक है, और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। दोस्तों खा देखिए, वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो, और गा देखिए उसके पास ऐसी अनर्हताएँ हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने आर्टिकल 84 तक कवर किया है, और जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, और आपका लाइक, आपका चैनल सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट करना हमको अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।